बर्फीले समुद्र तट पर बक का पहला दिन बड़ा बुरा रहा। यहाँ सब कुछ नया नया और अजीब सा था। उसने ऐसी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी। न यहाँ के आदमी ऐसे आदमियों की तरह थे जिन्हें बक अब तक देखता आया था। उनके कपड़े लत्ते और पहनने ओढ़ने का ढंग बिल्कुल निराले थे। मोटे मोटे ऊनी और बालदार लबादों और भद्दे से कंटोपों में लोग दूर से भालू जैसे लगते थे। उनकी बोली और बातचीत का ढंग ही निराला था। समुद्र तट पर हर दम एक हंगामा मचा रहता। लोगों का आना जाना और जोर जोर से बोलना और झगड़ा करना, यह सब बक को बड़ा विचित्र सा लगता था। यहाँ के कुत्ते तो सब के सब जैसे जंगली थे, हमेशा आपस में लड़ते रहते। बक ने ऐसे मोटे ताजे भेड़िए जैसे कुत्ते पहले बहुत कम देखे थे। वे लड़ते क्या थे, जैसे एक दूसरे को फाड़ कर खा जाने चाहते थे। और बक को जल्दी ही मालूम हो गया कि सचमुच की लड़ाई में अपने से कमजोर कुत्तों को मार ही डालते थे। हुआ यह कि बक के साथी कर्ली अपने अच्छे स्वभाव के कारण हर एक कुत्ते से आगे बढ़कर दोस्ती करती थी। वहां भी उसने ऐसा ही करना चाहा। सब लोग लट्ठों की एक टाल के पास ठहरे थे। कर्ली एक इस्कीमो कुत्ते की ओर मुड़ी। यह कुत्ता बड़ा मोटा तगड़ा भेड़िए जैसा था। कर्ली भी वैसे कमजोर नहीं थी। अगर ढंग की लड़ाई होती तो शायद कर्ली जीत जाती, लेकिन इस इलाके के कुत्तों का लड़ने का ढंग ही कुछ अलग था। कर्ली अभी कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि वह दुष्ट बिजली की तरह उछल कर आगे बढ़ा और अपने तेज दांतों से कर्ली की आंख के पास का मांस फाड़ कर तुरंत पीछे हट गया। लड़ाई का यह तरीका भेड़िए का तरीका था, चोट करना और कूद कर भाग जाना। बात यहीं खत्म नहीं हुई। देखते देखते 30 या 40 इस्कीमो कुत्ते वहां दौड़ आए। उन्होंने चुपचाप एक घेरा सा बना लिया और लड़ाई देखने लगे। बक ने देखा कि वे सिर्फ तमाशा देखना चाहते थे, लड़ाई में भाग लेना नहीं चाहते थे। ऐसी लड़ाई बक के लिए बिल्कुल नई थी। उसके अपने इलाके में तो जहां दो कुत्तों की लड़ाई होती थी, देखा था कि कुछ क्षणों में वह लड़ाई कुत्तों के दल में बदल जाती थी। यहां सब कुत्ते घेरा बांध कर खड़े थे और अपनी होठ चाट रहे थे। कर्ली ने पैतरा बदलकर अपने विरोधी पर हमला किया। वह बार बचा गया और फिर धोखे से उछलकर दोबारा कर्ली के मुंह को काट गया। दूसरी बार जब कर्ली ने उस पर हमला किया तो उसने एक खास ढंग से अपनी छाती से उसे ऐसे रोका कि कर्ली के पैर उखड़ गए और वह लुढ़क कर जमीन पर आ गिरी। तमाशा देखने वाले स्कीमो कुत्ते शायद इसी बात का इंतजार कर रहे थे। कर्ली के गिरते ही सबके सब गुर्राते और भौंकते हुए उस पर टूट पड़े और देखते देखते उन्होंने उसकी चटनी बना डाली। यह इस तरह अचानक हुआ कि बक की समझ में कुछ नहीं आया। उसने देखा कि जहाज पर उसका दूसरा साथी स्पिट्ज अपनी लाल जीभ निकाले एक तरफ चुपचाप इस तरह खड़ा था जैसे हंस रहा हो। बक कर्ली को बचाने के लिए लड़ाई में कूदना ही चाहता था कि इतने में फ्रांको इस एक कुल्हाड़ी तानता हुआ कुत्तों की इस भीड़ में कूद गया। डंडे लिए हुए तीन आदमी कुत्तों को भगाने में उसकी मदद कर रहे थे। इसमें ज्यादा देर नहीं लगी। उन्होंने 2 मिनट के भीतर ही कुत्तों को वहां से भगा दिया, लेकिन कर्ली तो वहां खून में सनी और पैरों से कुचली बर्फ में पड़ी थी। कुत्तों ने नोच नोच कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। कर्ली की इस दर्दनाक मौत का बक के मन पर बड़ा बुरा असर पड़ा, लेकिन साथ ही उसने एक पाठ सीख लिया। उसने तय किया कि वह स्कीमो कुत्तों से बचने की कोशिश करेगा और अगर लड़ाई हुई तो वह सबसे पहले बढ़कर वार करेगा। कम से कम इतना ख्याल जरूर रखेगा कि कभी जमीन पर ना गिरे, वरन उसकी भी ऐसी गति होगी। स्पिट्ज ने कर्ली को बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी, इसे भी बक नहीं भूला। उल्टा वह जीभ निकालकर हंस रहा था। इस कारण बक अब उससे घृणा करने लगा। बक को यहाँ एक और नया अनुभव हुआ। फ्रांकोइस ने उसको पेटियों और बक्सुओं का एक फंदा पहनाया, फिर उसे एक बर्फ गाड़ी में जोत दिया गया। मारे दुख और अपमान के बक का मन भर आया। उसने सोचा कि क्या यहाँ मुझे घोड़ों की तरह गाड़ी खींचना पड़ेगी।
बक एक भी पैर आगे बढ़ाने के लिए तैयार न था, लेकिन तभी फ्रैंकोइस का कोरा हवा में सनसना उठा। बक के आगे स्पिच जूता था और उसके पीछे डब नाम का वह कुत्ता था जो जहाज में दिन भर उदास बैठा रहता था। शायद स्पिट्स को गाड़ी खींचने का अभ्यास था, क्योंकि हुक्म मिलते ही उसने जोर लगाना शुरू कर दिया। साथ ही पीछे से डब ने भी गुर्रा कर धक्का दिया। मजबूर होकर बक को भी आगे बढ़ना पड़ा। थोड़ी देर में बक गाड़ी को खींचना सीख गया। फ्रैंकोइस कुछ समय बाद जंगल से लकड़ी काट कर और अपनी कुत्ता गाड़ी पर उसे लाद कर वापस लौट आया। पिराल से उसने कहा, ये तीनों बड़े अच्छे कुत्ते हैं, मैं इन्हें जल्दी ही सिखा लूंगा। यह बक तो बहुत ही बढ़िया खींचता है। पिराल्ट डाक वगैरह लेकर जाने की जल्दी में था। उसने मुस्कुराकर बक का सिर थपथपाया और वहां से चल पड़ा। शाम को जब वह लौटा तो 3-4 और नए कुत्ते के साथ आया। उस रात बक के सामने सोने की बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई। जब अंधेरा होने पर वह मोमबत्ती के सहारे जगमगाते तंबू में घुसा तो पिराल्ट और फ्रैंकोइस ने उसे गालियां देकर वहां से भगा दिया, और दूसरे कुत्ते खुले में ही अपने अपने सोने के ठिकाने खोज रहे थे। बक को अपनी गलती मालूम हो गई, वह भी कोई जगह ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिल सकी। वह बर्फ पर ही लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठंड के मारे उसे नींद नहीं आई। वह परेशान होता हुआ कितने ही तंबुओं में घूमता फिरा, लेकिन किसी ने उसे अंदर जगह नहीं दी। यहाँ वहाँ जंगली कुत्ते भी उस पर झपटे। अंत में वह यह पता लगाने लगा कि उसके दूसरे साथियों ने अपने लिए क्या इंतजाम किया है। ठंड में ठिठुरता हुआ वह इधर उधर चक्कर लगाने लगा। अचानक एक जगह उसके अगले पैरों के नीचे बर्फ धस गई और नीचे से कोई चीज गुनगुनाने लगी। थोड़ी ही देर में मालूम हो गया कि कोई कुत्ता बर्फ के नीचे घर बनाकर सोने की तैयारी कर रहा है। वह कुत्ता शायद अच्छे स्वभाव का था, इसीलिए उसने बक का अधिक विरोध नहीं किया और उसे भी उसने पास लेटने की जगह दे दी। इस तरह बर्फ में गुड़ी मुड़ी होकर सोने का बक के लिए पहला मौका था। पहले तो बहुत देर तक उसे नींद ही नहीं आई और बारंबार वह चौंक जाता था, लेकिन फिर वह गहरी नींद में सो गया और जस साहब के घर के सपने देखता रहा। दूसरे दिन सुबह होते ही सभी कुत्तों को फ्रैंकोइस ने आवाज लगाकर जगाया। जिसने उठने में देर की उसे तुरंत सजा मिली। देखते देखते सभी कुत्ते फिर से गाड़ियों के पास इकट्ठे हो गए। गाड़ियों पर पहले ही सामान लादा जा चुका था। बक के दल में कुल 9 कुत्ते हो गए थे। उन सबको एक बड़ी गाड़ी में जोत दिया गया। गाड़ियां चल पड़ी। पिराल्ट गाड़ी के पीछे पीछे चला और फ्रैंकोइस अपना कोरा फटकारता हुआ कुत्तों को हांकने लगा। अगले पड़ाव तक की यात्रा काफी कठिन थी। बर्फीली घाटों में उन्हें पूरा दिन का रास्ता तय करना था। बीच बीच में कई छोटे छोटे खेमे भरे, जहां थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वे लोग आगे बढ़ जाते थे। कई जगह उन्हें बर्फीली नदियां पार करनी पड़ी। रास्ते में कुछ झीलें पड़ी जो ठंडे ज्वालामुखियों के मुंह में बर्फ भर जाने से बनी थी। काफी रात गए वे लोग एक बड़ी बस्ती में पहुंचे। वहां बहुत से खोज यात्री आकर ठहरे हुए थे। वे उन दिनों के लिए नावें बना रहे थे जब बर्फ पिघल जाएगी और वे नदियों और नालों के जरिए आगे बढ़ सकेंगे। इस बस्ती में रात बिताने के बाद सुबह ही वे लोग फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। उस दिन वे लोग 40 मील चले, क्योंकि रास्ता साफ था, लेकिन अगले दिन और आगे भी कितने ही दिन उन्हें बर्फ में अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा। उन्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पिराल्ट यहाँ के सभी रास्ते पहचानता था। उसे मालूम था कि बर्फ की तह कहाँ कितनी मोटी है। अपनी गाड़ी को वो उधर से ही ले जाता। इस तरह दिन पर दिन बीतते चले गए। हमेशा अंधेरा रहते ही वे तंबू उखाड़ लेते, और जब सूरज उगता था तो बर्फ गाड़ी तेजी से दौड़ती हुई नजर आती थी। शाम को भी अंधेरा होने पर ही वे गाड़ी रोकते और कहीं भी बर्फ में तंबू तान देते थे। कुत्तों को डिब्बों में से निकालकर मछलियां खाने को दी जाती और तंबू में आग जलाकर सोने की तैयारियां करते। बक को यह जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी,
लेकिन अब वह धीरे धीरे इसका आदि हो चला। उसकी तंदुरुस्ती भी पहले से ज़्यादा ठीक थी। उसे एक बात की शिकायत बराबर बनी रहती, उसे यहाँ खाने में बहुत कम मिलता था। दिन रात मेहनत करने के कारण उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। पहले चोरी करने की उसकी आदत नहीं थी, लेकिन अब वह बहुत चालाक हो गया था और पिराल्ट या फ्रांकोइस की नज़र बचाकर खाने की कोई ना कोई चीज़ उड़ा लिया करता था। दूसरे कुत्ते भी मौका मिलने पर ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते, लेकिन वे अक्सर पकड़े जाते थे और उनकी खूब पिटाई होती थी। बक चोरी की कला में खासा उस्ताद हो गया था। कई बार तो ऐसा हुआ था कि चोरी वह करता था और पकड़ा कोई और कुत्ता जाता था। जज साहब के माली ने जिस दिन उसे धोखा दिया था, उस दिन से लेकर अब तक उस पर बहुत कुछ बीत चुका था। उसे अपनी बहुत सी पुरानी आदतें बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वह पहले एक सभ्य कुत्ता था, अच्छे घर में जन्मा और बड़ा हुआ था। उसकी आदतें आम कुत्तों जैसे नहीं थी। वह कभी भी गली मोहल्लों के कुत्तों की तरह ना तो गंदी चीजों में मुंह डालता था और न फिजूल की लड़ाई भिड़ाई में भाग लेता था। इसके अलावा उसे अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल रहता था। कोई उसका अपमान कर देता था तो उसे बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब वह काफी बदल गया था। अब उसके अंदर छिपा हुआ उसका जंगलीपन काफी उभर आया था। इतना होने पर भी वह दूसरे कुत्तों की तरह बिल्कुल जंगली नहीं बना। अब भी उसमें कई गुण ऐसे थे जो उसके नए मालिकों को बहुत पसंद थे। पिराल तो अब उससे प्यार करने लगा था। अगर कोई कुत्ता बक को छेड़ने की कोशिश करता तो पिराल्ट आगे बढ़कर उसकी मरम्मत कर देता। बक ने नए ढंग से लड़ाई भी सीख ली थी। अब कोई स्कीमो कुत्ता उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जब शाम को खाना खाने के बाद कुत्ते खाली होते थे तो मीलों दूर बर्फ पर चांदनी फैली होती थी, तो बक अपने साथियों के साथ पेड़ों की छाया में आँख मिचोली खेला करता था। उसके साथी कुत्ते अब उसका रौब मानने लगे थे। फिर भी अभी उसके दल में 2-3 कुत्ते ऐसे थे जो उसकी परवाह नहीं करते थे और स्पिज कई बार बिना किसी कारण के ही उससे लड़ पड़ता था। बक ऐसे कुत्तों से जरा दूर रहने की कोशिश करता था और अपने साथियों के साथ रात को खूब भौंकता, चिल्लाता, इधर उधर दौड़ लगाता रहता था। थोड़ी देर खेलने के बाद फिर सब बर्फ में घर बनाकर सो जाते थे। बक धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी को भूलता जा रहा था।